मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया बजट सुख की सरकार का सुखमय बजट। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट से विपक्ष हड़बड़ाहट में व उसके आसपास इस बजट का कोई तोड़ नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपना पहला ही बजट कर्मचारियों, महिलाओं, बेरोजगारों, युवाओं से लेकर बच्चों के लिए सभी का खासा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अपना पहला बजट पेश किया, उस सुख की सरकार का सुखमय बजट जो जनता के लिए आया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। इस बजट को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष में हलचल है, बैकफुट पर है। बोलने के लिए आज विपक्ष के पास कुछ नहीं है। इस बजट में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा, चाहे वो छोटे बच्चों से लेकर हो, युवा वर्ग हो, महिलाएँ हो, कर्मचारी वर्ग हो, दुकानदार भाई हो, कोई भी वर्ग हो, उनके लिए हर एक का एक प्रावधान किया गया है। छोटे बच्चों को लेकर जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात की गई है, वो एक इंग्लिश मीडियम जो वो एक काबिले तारीफ है। ग्रीन स्टेट की ओर जो हमारा प्रदेश अब बढ़ने जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ को लेकर, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने की जो बात की गई है, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बात की गई है, वो एक बहुत अच्छा कदम है। कांगड़ा जिला को एक टूरिज्म स्टेट कैपिटल बनाने की जो बात की है, जो बनाया है, वो एक टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। आज टूरिज्म सेक्टर के लिए, हमारे युवाओं के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, जिसमें उनके आय के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान रखे हैं, वो एक काबिले तारीफ है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट।